हेलो दोस्तों, आज हम 12th गणित में चैप्टर 7 इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हल करेंगे। बता रखा है दोस्तों, यह एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं का उपयोग कर समाकलन ज्ञात करने पर आधारित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है समाकलन साइन 4x इंटू साइन 8x dx। यहाँ सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइन 4x इंटू साइन 8x को लिखते हैं 2 इंटू 4x dx, यानी साइन 2x का फॉर्म इसको बनाया हम, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ 2x है, तो यहाँ xx है और यहाँ 4x है, तो 4x रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसलिए साइन 2 इंटू 4x बराबर हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। साइन 2x है तो 2 साइन x इंटू कॉस x, तो साइन 2 4x होगा, तो x के जगह पर यहाँ 4x चला जाएगा, बस ये है सिर्फ। तो इसके जगह पर हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर समाकलन साइन 4x इंटू, इसके जगह पर ये हम फॉर्मूले पर इसको आधारित किया है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x dx बराबर, इस 2 को बाहर कर लेते हैं, कोफिशियंट है, और ये हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन 4x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x और यहाँ कॉस 4x dx। अब यहाँ कॉस 4x साइन 4x को अगर प्रतिस्थापित करें तो हमको कॉस 4x dx मिल सकता है। ध्यान से सुने फ्रेंड्स, यहाँ साइन 4x को अगर हम t से प्रतिस्थापित करें तो हमको कॉस 4x dx मिल सकता है। तो यहाँ पुट करेंगे साइन 4x बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले साइन 4x का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 4x और फिर 4x का चेन रूल से 4 और ये dx बराबर dt, यानी यहाँ से ये हो जाएगा कॉस 4x dx बराबर 1/4 dt। अब ये कॉस 4x dx हमारा हो गया 1/4 dt, तो कॉस 4x dx हमारा ये रहा, इसके जगह पर 1/4 dt डालेंगे, तो इसलिए i बराबर हमारा हो जाएगा, बाहर है 2 और इसके जगह पर हमने रखा है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये पूरा हमारा हो गया 1/4 dt। बस इसका समाकलन करेंगे, सिर्फ समाकलन में देखें, इसमें ये हमारा है 1/4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 और यहाँ हो जाएगा t की घात 2 dt बराबर, यहाँ से 2 × 4 कटेगा 1/2 और इसका समाकलन पावर रूल से करेंगे तो t की घात 3/3 और प्लस c, ये हो जाएगा 1/6 और t हमने रखा है साइन 4x, तो यहाँ रख देंगे साइन q और यहाँ 4x प्लस c और ये है इसका आंसर। आठवां सवाल हमारा है i बराबर 1 − cos x / 1 + cos x dx। अब यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, देखें यहाँ फार्मूला हम पढ़ा है cos x बराबर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ से अगर इसको लिखें हम 1 − sin² x / 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 − 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से इसको अगर इधर कर लें तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 और इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 − cos x, यानी 1 − cos x के जगह पर हम इसको रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। रखते हैं यहाँ, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे देखें यहाँ, यहाँ भी इसको हमने लिखा था साइन में, तो इसको रखकर अब कि इसको लिखते हैं हम कॉस में, तो पुनः देखें कॉस x बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर
एक्स बाई टू और इसके जगह पर लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। इसको इधर ले आए, माइनस एक हो जाएगा प्लस में, यानी वन प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी वन प्लस कॉस एक्स के जगह पर ये रखेंगे। फॉर्मूला इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्त, और कुछ नहीं है। इसको यहाँ रखें तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स, यहाँ टू से टू कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन हम लोग सेक में बदल कर करना सीखा है, तो बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और यहाँ डी एक्स। सूत्र पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर एक्स। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन होगा टेन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन हाफ, और इसका हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस सी बराबर। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, और ये है इसका आंसर। यहाँ समझे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, तो चूंकि यहाँ एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू रहा, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे देना जरूरी है। नाइन नंबर का सवाल हमारा है समाकलन कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें काम करें सबसे पहले ऊपर में भी इसके जैसा बनाते हैं, तो उसके लिए ऊपर में एक ऐड करते हैं यानी वन प्लस कॉस एक्स और माइनस एक कर देते हैं, ये माइनस एक प्लस एक कट जाएगा, वापस से हमको ऊपर में कॉस एक्स ही बचेगा। कर सकते हैं इसको बटे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस पार्ट को अलग रखें और इसको अलग रखें और अलग अलग इसमें भाग लगा दें, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स और माइनस एक बटे वन प्लस कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स, ये कट जाएगा। समाकलन को अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा एक बटे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन हम लोग जानते हैं एक्स माइनस, अभी तुरंत इसका फॉर्मूला लिखा था, ये वन प्लस कॉस एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ रखेंगे इसके जगह पर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर। यहाँ से इसका समाकलन तो x आ चुका है माइनस, इधर हो जाएगा समाकलन वन बाई टू को बाहर कर लेते हैं, और ये एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर। यहाँ से x माइनस हाफ, और इसका समाकलन अभी तुरंत निकाला था टेन एक्स बाई टू और बटे इसका डिफरेंशिएशन वन बाई टू और प्लस सी, ये वन बाई टू कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, और ये है इसका आंसर। दस नंबर का सवाल हमारा है समाकलन साइन की पावर फोर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं समाकलन साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अभी तुरंत फॉर्मूला बताया था, ये कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको साइन स्क्वायर चाहिए तो इसको बदलेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस ये रहा साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर। इधर से इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स, इसलिए हमको चाहिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स बटे टू। अब इस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स हमारा है उसके जगह पर इसको डालेंगे, यानी ये हो जाएगा समाकलन वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और डी एक्स।
ये दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, इसको बाहर कर लेते हैं 1/4 समाकलन, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस 2ab, यानी ये हो जाएगा 2 cos 2x, और प्लस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और यहाँ हो जाएगा dx बराबर। यहाँ से इसको समाकलन को अलग अलग करें तो बाहर 1/4 रखते हैं और ये हो जाएगा dx माइनस ये हो जाएगा 2 बाहर cos 2x dx प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। इसका समाकलन हम लोग जानते हैं, इसका भी जानते हैं, और यहाँ त्रिकोणमितीय सर्वसमी का उपयोग करेंगे। इसी में से अगर यहाँ देखें, हम रख दें यहाँ, ये तो cos स्क्वायर x है ही, और इसके जगह पर रख दें माइनस 1 cos स्क्वायर x बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस एक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 cos 2x बटे 2 बराबर ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ x है तो यहाँ 2x है, cos स्क्वायर x तो यहाँ 2x है, यहाँ cos स्क्वायर 2x है, तो इससे हम निकाल सकते हैं ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x बराबर 1 cos 2, और x के जगह पर यहाँ हो जाएगा 2/2 बराबर ये हो जाएगा 1 cos 4x/2। सिर्फ इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल समझना है और कुछ नहीं है। यहाँ cos स्क्वायर x है तो यहाँ cos 2x है, यहाँ हमको चाहिए cos स्क्वायर 2x, तो 2x के लिए यहाँ करना पड़ेगा हमको 4x। अब यहाँ रखेंगे, आसानी से समाकलन कर लेंगे, बराबर ये हो जाएगा 1/4, इसका समाकलन हो जाएगा x माइनस 2, और cos 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x बाई 2, और प्लस यहाँ से इसको अभी लिखना है ये 1 cos 4x/2 और ये dx बराबर यहाँ से 1/4 बाहर है, ये आया है x, यहाँ से 2 काट लें, माइनस बचेगा साइन 2x, और प्लस का यहाँ 1/2 बाहर करेंगे, और एक का समाकलन हो जाएगा x, और प्लस cos 4x का समाकलन हो जाएगा साइन 4x, और बटे 4, और प्लस हो जाएगा ये c बराबर। यहाँ से 1/4 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस यहाँ से साइन 2x/4, और यहाँ से हो जाएगा 1/8 यानी प्लस 1/8, और प्लस साइन 4x/4, और ये दूना 8 इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, और प्लस सी। इसको अगर 2x/8 कर लें, दो से ऊपर नीचे गुना कर लें, हर को इसको सेम करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और x ये हो जाएगा 3x/8 माइनस साइन 2x/4, और प्लस साइन 4x/32, और प्लस सी, और ये है इसका आंसर। 11 नंबर का सवाल हमारा है समाकलन cos की घात 4 2x dx बराबर, इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर और dx। अभी ये फॉर्मूला यहाँ बनाया है cos स्क्वायर 2x का, इसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 cos 4x/2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ से 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 cos 4x/2 dx बराबर 1/4 बाहर रखते हैं, और समाकलन में a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x, और प्लस 2ab यानी ये हो जाएगा 2 cos 4x, और यहाँ रहेगा dx बराबर 1/4, और समाकलन इसको अलग करते हैं तो ये हो जाएगा dx
प्लस इसका समाकलन करेंगे तो कॉस स्क्वायर 4x dx प्लस यहाँ से 2 कोफिशियंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 4x और dx। अब यहाँ पुनः ध्यान रखेंगे कॉस स्क्वायर 4x है, यहाँ कॉस स्क्वायर 2x था तो यहाँ 4x हो गया था, तो यहाँ 4x है तो यहाँ 8x कर लेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे i बराबर 1/4 और इसका समाकलन हो जाएगा x प्लस इसको लिखेंगे समाकलन 1 प्लस कॉस, ये 4x है तो 8x हो जाएगा, 2x था तो 4x हो गया, 4x है तो 8x हो जाएगा, 8x/2 dx और प्लस यहाँ से 2 है बाहर में और कॉस 4x का समाकलन हो जाएगा साइन 4x/4, कांस्टेंट एक बार डालेंगे बराबर 1/4 यहाँ रहेगा x प्लस यहाँ से 1/2 बाहर कर लेंगे और 1 का समाकलन हो जाएगा x और cos 8x का हो जाएगा sin 8x और 8 और प्लस यहाँ से 2×2=4 काट लेंगे तो ये हो जाएगा sin 4x और 2 और प्लस c बराबर यहाँ से 1/4 को बाहर ही रखते हैं, अभी ये हो जाएगा x प्लस इसको अंदर गुना करें हाफ को तो ये हो जाएगा x/2 प्लस साइन 8x/8 × 16 और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 4x/2 और प्लस c बराबर यहाँ से देखें ये 1/4 बाहर रखें तो ये हो जाएगा x 2x प्लस x 3x/2 प्लस साइन 8x/16 और प्लस साइन 4x/2 और प्लस सी, इस 1/4 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/8 प्लस साइन 8x/16 × 64 और प्लस साइन 4x/8 प्लस सी और ये है इसका आंसर। 12 नंबर का सवाल हमारा है समाकलन साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऊपर साइन को हम कॉस में लिखते हैं सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस एक को एक का स्क्वायर भी लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ से ये और ये कट गया, बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर एक का समाकलन होता है x माइनस कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स और प्लस सी और ये है इसका आंसर। 13 नंबर का सवाल यहाँ है समाकलन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा 2x माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ कॉस 2x का फॉर्मूला याद रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस कॉस 2x के जगह पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस इसके जगह पर भी लिखेंगे तो x के जगह सिर्फ अल्फ़ा कर दें तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ डी एक्स बराबर यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस माइनस को अंदर गुना करें तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 और बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ डी एक्स, ये प्लस 1 माइनस 1 काट लें, इस 2 को कॉमन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और डी एक्स। ऊपर में फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो ये हो जाएगा बाहर में 2 समाकलन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा
इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और डी एक्स, यहाँ से ये कट जाएंगे, बचा हमारे पास कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर बाहर में अपना है टू समाकलन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा डी एक्स बराबर टू को बाहर रखें समाकलन को अलग अलग करें तो ये हो जाएगा समाकलन कॉस एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और डी एक्स बराबर यहाँ टू बाहर में है और कॉस एक्स का समाकलन हम लोग जानते हैं साइन एक्स होगा तो यहाँ रख लें साइन एक्स और प्लस यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस अल्फ़ा कोफिशियंट है बाहर रख लेंगे कॉस अल्फ़ा को और बचेगा समाकलन यहाँ डी एक्स प्लस सी बराबर टू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस डी एक्स का एक्स यानी एक्स कॉस अल्फ़ा और प्लस सी और ये है इसका आंसर। 14 नंबर का सवाल है समाकलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा ऊपर में कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स बटे वन प्लस इसको लिखेंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये अपना है डी एक्स साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर यहाँ रखेंगे ऊपर में अपना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे इस एक के जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ताकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बने तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये अपना है डी एक्स बराबर ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब इस पर अगर प्रतिस्थापन लगाएं तो ऊपर वाला हमको मिल सकता है तो देखें इसमें पुट करें इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स और बराबर डी टी ऊपर में हमारे पास है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी तो बराबर ये हो जाएगा जो आई हमारा है ऊपर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर रख लें डी टी और नीचे इसके जगह पर हमने रखा है टी तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात माइनस टू और डी टी यहाँ पावर रूल लगाएंगे तो टी की घात माइनस टू प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन और प्लस सी बराबर ये हो जाएगा यहाँ से एक में दो जा रहा है तो माइनस और यहाँ हो जाएगा टी की घात माइनस वन प्लस सी बराबर ये हो जाएगा माइनस एक बटे टी प्लस सी। अब टी हमने रखा है इसको यहाँ रख देना है रिजल्ट आ गया यानी यहाँ लिखते हैं आई हमारा हो जाएगा माइनस एक बटे टी के जगह पर इसको रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी और ये हमारा है आंसर। 15 नंबर का सवाल है समाकलन टेन क्यू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स तो सबसे पहले इसको लिखें समाकलन टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स सेक टू एक्स डी एक्स अब यहाँ इसको बदलेंगे पहले सेक में तो बराबर ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इंटू टेन टू एक्स सेक टू एक्स डी एक्स। अब इतना करने से हमारा ये सवाल प्रतिस्थापन के लायक बन गया है अगर हम सेक टू एक्स को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हमको मिलेगा तो यहाँ पुट करें सेक टू एक्स बराबर टी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक टू एक्स इंटू
टेन टू एक्स और फिर टू एक्स का करेंगे चेन रूल से तो टू और ये होगा डी एक्स बराबर डी टी। इस टू को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू, यानी सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स बराबर हाफ डी टी। और ये रहा हमारा टेन टू एक्स सेक टू एक्स इंटू डी एक्स और इसके जगह पर हाफ डी टी डालेंगे तो इसलिए आई हमारा हो जाएगा समाकलन सेक टू एक्स के जगह पर हमने रखा है टी तो टी स्क्वायर माइनस वन और इस पूरे के बदले यहाँ आएगा हाफ डी टी। हाफ को बाहर कर लेंगे और यहाँ बचेगा टी स्क्वायर माइनस वन डी टी बराबर हाफ बाहर है और समाकलन होगा इसका पावर रूल से टी की घात तीन बटे तीन और माइनस यहाँ टी और प्लस सी और टी हमने जिसको रखा है वापस से रख देंगे रिजल्ट हमारा आ जाएगा यानी आई हमारा हो जाएगा एक बटे टू और यहाँ टी के जगह पर रखें सेक टू एक्स और घात है तीन तो ये हो जाएगा सेक की घात तीन टू एक्स बटे थ्री माइनस सेक टू एक्स और प्लस सी और ये है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।